एवरीवन, वेलकम टू प्रिया आयुर्वेद। मैं हूं डॉक्टर प्रिया, आपकी अपनी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट। कल के वीडियो में हमने पित्त प्रकृति के बारे में इन डिटेल में देखा, जाके जरूर देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे छोड़ी है। आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कफ प्रकृति के बारे में। कफ प्रकृति वाले जो लोग होते हैं उनकी जो शरीर यष्टि है वो मजबूत होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ उनका अच्छा होता है और मोस्टली इनका वेट जो होता है वो ज्यादा होता है और वेट गेन करने की जो कैपेसिटी वो ज्यादा होती है, जल्दी से पुट ऑन हो जाते हैं, वेट जल्दी से उनका बढ़ जाता है। इनकी वो टेंडेंसी होती है, इनकी जो स्किन टाइप होती है, त्वचा जो है वो मिल्की होती है, वाइटिश होती है, गोरे रंग के होते हैं और स्निग्ध होती है, मतलब थोड़ी थोड़ी ऑयली होती है, सॉफ्ट होती है। बाल जो होते हैं ये इनके अच्छे होते हैं, लंबे, घने, काले, ऐसे मजबूत, ऐसे इनके बाल की जो स्ट्रेंथ है वो होती है। इनकी जो वाणी है, मतलब इनका जो शब्द है, शब्द उच्चारण है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, अच्छा होता है, सॉफ्ट वॉइस जिसे बोलते हैं, और एक वॉइस में उनके एक मिठास होती है। तो ये इनकी प्रकृति के लक्षण होते हैं। इनका जो स्वभाव है मोस्टली शांत होता है, स्टेबल होता है, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होता है इनका। कोई भी डिसीजन ये लेते हैं तो विचार सोच समझ कर लेते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में भी स्टेबल रहना, शांत रहना, समझना, ये इनकी प्रकृति होती है। ये सब होते हुए भी इनमें आलस दिखाई देता है। यस, ये लोग थोड़े आलसी होते हैं, कुछ करने की इनको इच्छा नहीं होती और इवन फिजिकल एक्टिविटी करने में भी ये करते नहीं है इजीली। तो नींद लेना अच्छा लगता है, नींद लेना पसंद होता है। मानसिक जो लक्षण है, कफ प्रकृति वाले लोग मोस्टली समाधानी होते हैं, सैटिस्फैक्ट्री होते हैं, इनका एकाग्रता पावर, कॉन्सेंट्रेशन पावर अच्छा होता है। जैसे मैंने बोला, जल्दबाजी नहीं करते, कोई भी डिसीजन लेना है तो विचार सोच समझ कर लेते हैं, टाइम देते हैं खुद को। इनके दोस्त बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इनकी जो वाणी है, जैसे मैंने बोला, सॉफ्ट और मिठास होती है, कम बोलते, इसीलिए दोस्त इनके बहुत ज़्यादा बनते हैं। मेंटली और इमोशनली दोनों भी ये लोग स्ट्रांग और स्टेबल होते हैं, पर इनको ध्यान देना चाहिए होता है क्योंकि कफ प्रकोपक आहार अगर ये लोग लेते हैं, मतलब कौन से, तो स्निग्ध ऑयली चीज़ें या मधुर, मतलब मीठा जो है वो अगर ज़्यादा खाते हैं, और आलसी, मतलब फिजिकल एक्टिविटी अगर नहीं करते, तो इनकी वजह से इनका कफ जो है वो बढ़ता है और कफ दोष की वजह से इनको कफ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो होते रहते हैं, जैसे बार बार सर्दी, खांसी होना या वेट पुट ऑन होना, तो ये इनको समस्या होती रहती है। इसकी वजह से डायबिटीज जो है आयुर्वेदा में प्रमेह कहा गया है, ये भी एक कफ दोष की वजह से होता है। तो ये ओवरऑल इनको समस्याएं होती रहती है। तो इन्होंने क्या ध्यान में रखना चाहिए, मतलब दिन में सोना अवॉइड करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी इन्होंने करनी चाहिए, खान पान में इन्होंने ध्यान रखना चाहिए, मोस्टली जो है कटु, तिक्त, कषाय, तीखा, कड़वा और कसेला, ये रस इन्होंने ज्यादा लेना चाहिए ताकि इनका कफ जो है बैलेंस रहेगा। मसाले जो है हमारे में होते हैं, सूंठ होती है, मरीच होते हैं, पिपली होती है, तो ये जो है इसको त्रिकटु बोला गया है। ये कफ प्रकृति वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि इनका अग्नि मंद होता है, अग्नि कम होता है, अग्नि है मंद होती है, इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, खाना खाने के बाद बहुत देर बाद ये डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो इसीलिए पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए, खाना इजीली डाइजेस्ट हो इसके लिए, कफ दोष कम हो इसके लिए इनको ये जो चीज़ें है त्रिकटु जैसे है या किचन में जो मसाले है ये इन्होंने यूज करना चाहिए। इवन भुना चना है, मिलेट्स की जो रोटी है, ये इनके लिए अच्छा है क्योंकि मिलेट्स की जो रोटी है रुक्ष होती है और इनका जो कफ की वजह से जो स्निग्ध गुण है वो कम करने के लिए ये फायदेमंद होता है। इवन शहद जो है, पुराना शहद, मध जिसे बोलते हैं, ये भी इनके लिए बहुत ही अच्छा है, कफ पिघलाने के लिए यूजफुल होता है। फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। इवन इन लोगों के लिए उपवास जो होता है, फास्टिंग, ये लोग कर सकते हैं, इनके लिए वो अच्छा है ताकि उनका मेद जो है, कफ जो है वो पिघल जाएगा और इनकी जो बॉडी है अच्छी रहेगी। इसके लिए इनके लिए आयुर्वेदा में रुक्ष उद्वर्तन कहा गया है, त्रिफला जो है या यव जो है ये रुक्ष उद्वर्तन के लिए आते हैं, मतलब वसंत ऋतु जो होता है इसमें कफ नेचुरली बढ़ जाता है, तो जो कफ प्रकृति वाले लोग हैं इनमें कफ बढ़ जाता है और अगर इन्होंने कफ प्रकोपक आहार विहार अगर किया तो और भी कफ बढ़ जाता है, तो उनकी समस्या बढ़ जाती है। इसीलिए वसंत ऋतु में अगर वमन ये लोग करेंगे तो इनके लिए बेस्ट रहता है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो ड्रॉप आउट योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर आपने वात प्रकृति पित्त प्रकृति के बारे में नहीं देखा होगा तो जाके एक बार जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।